वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है RNG स्टडी पॉइंट। हम कर रहे थे रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो पार्ट फर्स्ट था कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके अंदर हमने बेसिक और जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड था वो क्लियर किए थे। आज के इस वीडियो में हम टाइप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को क्लियर करेंगे। तो जो टाइप थर्ड है वो है लेटर टू सैम्बल, यानी अल्फाबेट से या तो उसको सैम्बल में कन्वर्ट करना होगा या नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी खास कोड में सोल दे रखा है SOLE। इस SOLE को ये कन्वर्ट करके बता रहा है कि डॉलर 54 हैज, ठीक है। SOLE को ये क्या बता रहा है, डॉलर 54 हैज बोल रहा है। और DIME दे रखा है, DIME है ना, इसको ये बोल रहा है 3% 7 और हैस के रूप में, ठीक है। SOLE को इसने कहा कि डॉलर 54 हैस और DIME को 3% 7 हैस। इसका मतलब ये हुआ देखो यहाँ पे कि S को बोल रहा है ये डॉलर, S को डॉलर, O दे रखा है O को 5, L को 4, E को हैस, डी को 3, आई को परसेंटेज, एम को 7 और ई को हैश, है ना। यहाँ भी ई का हैश है, यहाँ पर ई का हैश दे रखा है, ठीक है। तो इसी कूट भाषा में हमें चेंज करना है मोड्स को, MODES। इस मोड्स को चेंज करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पांच दे रखे, सॉरी इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो अपना MODES है जो ये इसी में मिलेगा हमें, M दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, O दे रखा है, D दे रखा है, E दे रखा है और S दे रखा है, यानी इनमें से जो इन्होंने चेंज किए ना वही हमने यहाँ पे लिखना है। M को क्या कहा इसने, देखो M को कहा है 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। O को क्या बोल रहा है, ये 5 बोल रहा है, तो ये 5 हो गया। D ये दे रखा है, D को क्या बोल रहा है, 3, तो ये 3 हो गया। E देखो यहाँ पर भी हैज है, यहाँ भी हैज है, तो ये हैज हो जाएगा। और एस को क्या कहा इसने, डॉलर, ठीक है। तो ये एम और डी एस को कन्वर्ट करने के बाद में 753 हैश डॉलर बनता है। और ये अपना ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, 753 हैश डॉलर, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि किसी कूट भाषा में LATE दे रखा है, लेट को बोल रहा है ये 8 and 4 और डॉलर में कह रहा है ना। तो लेट को इसने बोला है, तो अगला क्वेश्चन है LATE को इसने क्या कहा है, देखो इसने बोला है 8 and और 4 और डॉलर के रूप में, ठीक है। और फिर ये कह रहा है आगे कि इसी तरह HIRE है ना, इसको ये कह रहा है 7 star 3 और डॉलर के रूप में। अगर ये चेंज करता है तो उसी कूट भाषा में हमें बताना है कि हेल HAIL को क्या कहता है, उसी कूट भाषा में कन्वर्ट करने पर क्या बनता है वो हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ये जो अपने जो अल्फाबेट है ये इसमें मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो H है कि इसके अंदर H दे रखा है, ए दे रखा है, आई बी दे रखा है यहाँ पर और एल भी दे रखा है, ठीक है। यानी इन्हीं में से हमको छाट के लिखना है ना। तो देखो एल को क्या कहा इसने, एल को कहा है 8, ए को बोला इसने एंड, टी को बोला है 4, ई को बोला है डॉलर, एच को 7, आई को स्टार, आर को 3 और ई को डॉलर कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ई दे रखा है, यहाँ भी है डॉलर और डॉलर दे रखा है। तो चेंज करेंगे देखो सबसे पहले एच का, अब एच की वैल्यू देखो ये दे रखा है, एच को इसने क्या कहा है 7 का है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। ए कहाँ पर रही है, ए दे रखा है, ए को क्या कह रहा है ये एंड कह रहा है, तो ये ए की जगह पर एंड लिख दिया। आई देखो दे रहा है, आई की जगह पर क्या लिखना है, स्टार लिखना है, तो ये स्टार हमने लिख दिया, ठीक है। और एल, एल यहाँ पे देखा, एल को क्या कहा इसने 8 का है, ठीक है। तो ये हेल HAIL को जो चेंज करने के बाद में बन गया 7 and star 8, तो ये अपना ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें रोप दे रखा है, ROPE। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ROPE,
रोप को कन्वर्ट करने के बाद में ये बनता है परसेंटेज 5-7 डॉलर, परसेंटेज 5-7 डॉलर, ठीक है, कूट पसा में चेंज करने के बाद में। और डी ओ यू बी टी को ये बोल रहा है, डी ओ यू बी टी को चेंज करने के बाद में 3-5 हैज, 3-5 हैज एट और स्टार, टीको स्टार है ना, स्टार बोल रहा है। और एल आई वी एक और वर्ड दे रखा है, एल आई वी ई, इसको कन्वर्ट करने के बाद में ये एट द रेट 24 डॉलर, 24 डॉलर कहता है, ठीक है। ये तीन वर्ड दे रखे हैं अलग अलग, तो हमें चेंज करना है किसको, ट्रेवल को, टी आर ओ यू बी एल ई, ट्रेवल को चेंज करके हमें बताना है कि इसका कूट क्या होगा, यानी कूट में कन्वर्ट करने के बाद में क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है ट्रेवल में जो भी अल्फाबेट है, क्या वो सारे अल्फाबेट हमारे यहाँ मैच कर रहे नहीं कर रहे। देखो टी है कि इसमें टी दे रखा है, आर दे रखा है, ओ यू बी तीनों दे रखे हैं, एल दे रखा है और ई भी दे रखा है, ठीक है, यानी सभी के सब इसमें दे रखे क्वेश्चन में। अब हमें केवल उनमें से छाट के इसमें लिखना है। तो टी जो है, टी का यहाँ पर कूट है स्टार, तो ये टी के लिए स्टार लिख दिया। आर क्या दे रखा है, परसेंटेज है, ये परसेंटेज लिख दिया। ओ दे रखा है ओ यू बी, तीनों दे रखे हैं ये ना, तो ये आ जाएगा 5 हैज और एट। एल का दे रखा है एट द रेट और ई का दे रखा है डॉलर, ठीक है। तो ये ट्रेवल का कूट जो चेंज करेंगे उसके बाद में क्या बनेगा, स्टार परसेंटेज 5 हैज एट एट द रेट और 5 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हर टाइप के हमने तीन तीन क्वेश्चन लिए हैं ना, तो ये टाइप थर्ड था अपना। तो देखो अगला टाइप है टाइप नंबर 4, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, यानी प्रतिस्थापन। इसमें वर्ड को प्रतिस्थापन करेंगे, यानी शब्द से दूसरा शब्द बनेगा, है ना, इसको वर्ड टू वर्ड कोडिंग भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन के अनुसार। एक क्वेश्चन लिया हमने कि जैसे मान लो कि पीले को लाल कहा जाता है, यदि पीला को लाल कहते हैं, पीला कलर है, उस पीले कलर को इसने कहा है लाल, पीले को इसने लाल कह दिया और लाल को कहा है नीला, जो लाल कलर है उसको इसने कहा है नीला, ठीक है। और फिर बाद में कह रहा है ये कि नीले को भी सफेद कहा जाता है, नीला जो कलर है उसको क्या कह रहा है, ये सफेद कह रहा है, ठीक है, नीले को भी सफेद कहा जाता है। तो खून किस रंग का होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखा है लाल, काला, हरा या नीला। तो जल्दबाजी नहीं करना है कि हमें पता है कि खून का रंग लाल होता है। ऑप्शन में यहाँ पर ए मत टिक कर देना कि जो ए है अपना वो रेड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है कि हमें बताना है खून का रंग, यानी ब्लड का रंग बताना है। अब सबको पता है ब्लड का रंग लाल होता है, लेकिन लाल को क्या कहा जा रहा है वो हमें देखना है। लाल को क्या कहा जा रहा है, नीला कहा जा रहा है, लाल को क्या कहेंगे, नीला कहा जा रहा है। तो इसका खून का रंग क्या होगा, नीला, ठीक है, लाल नहीं भरना है। लाल को कलर को नीला कलर बोला जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार। ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, कोड में चेंज कर रहा है ना, कोड के अंदर चेंज करने के बाद में जो लाल कलर था वो क्या बन गया, नीला कलर। तो हमें ये बताना है कि खून जो लाल था उसको क्या कहेंगे, अब नीला कहेंगे, ठीक है। तो ये अपना डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, यदि आसमान जो है, आसमान को समुद्र कहा जा रहा है ना, क्वेश्चन है कि आसमान को क्या कहा जा रहा है, समुद्र, आसमान को समुद्र कहते हैं। और ये कह रहा है कि समुद्र को पानी कहते हैं, इसी समुद्र को, सॉरी, समुद्र को पानी कहते हैं। और फिर आगे कह रहा है ये पानी को हवा कहते हैं, इस पानी को जो है क्या कहेंगे, हवा कहेंगे। और लास्ट में फिर अभी और कह रहा है ये कि पानी को हवा कहते हैं और हवा को कहते हैं बादल, हवा को बादल कहते हैं, ठीक है। और फिर और कहा इसने कि बादल को नदी कहा जाता है, इस बादल को भी क्या कहते हैं, बादल को नदी कहते हैं, है ना, बादल को, जो बादल है इस बादल को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने कोडिंग में चेंज किया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार कोड में चेंज किया है कि आसमान को समुद्र कहो, समुद्र को पानी, पानी को हवा कहते, तो हवा को बादल, बादल को नदी कहना है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये कहा जाता है तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे,
हम प्यास लगने पर हम क्या पियेंगे? आसमान पियेंगे, हवा पियेंगे, पानी पियेंगे, समुद्र पियेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम पानी पीते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है कि हम पीते तो पानी है, ठीक है, क्या पीते हैं? हम पानी पीते हैं, लेकिन पानी को क्या कहा जा रहा है कोडिंग में चेंज करने के बाद में, पानी को क्या कहा जा रहा है वो हमें देखना है होंगे, ठीक है। ये पानी दे रखा है, पानी को क्या कह रहा है? हवा कह रहा है। पानी को क्या कह रहा है? हवा कह रहा है। तो इसके अंदर हवा जो है ये अपना राइट आंसर होगा, पानी को क्या कहेंगे? हवा कहेंगे, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं देखना है कि ये समुद्र को पानी कह रहे हैं तो समुद्र पी लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। पानी को क्या कहा जा रहा है? हवा कहा जा रहा है, और हम पानी पीते हैं लेकिन पानी को क्या कह रहा है? वो हवा कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? हवा जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइप फोर का एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरियाणा को पंजाब कहा जाता है, पंजाब को कश्मीर, इसी प्रकार ये आगे बोल रहा है ना, तो वही कह रहा है कि हरियाणा को पंजाब कहा जा रहा है ना, और पंजाब को कश्मीर, ठीक है, और फिर कश्मीर को ये बोल रहा है स्वर्ग, है ना। कश्मीर तो स्वर्ग ही है, कश्मीर को क्या कह रहे हैं? स्वर्ग कहते हैं, और स्वर्ग को कहते हैं बिहार। अरे बाप, स्वर्ग को क्या कहेंगे? बिहार। स्वर्ग को नाम दिया इसने बिहार, ठीक है। तो और बिहार को भी कुछ ना कुछ कह रहा होगा, बिहार को ये कह रहा है, बिहार को दिल्ली कहते हैं और दिल्ली को राजस्थान। बिहार को क्या कह रहे हैं? दिल्ली, दिल्ली कहते हैं, और दिल्ली को कह रहा है ये राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान को भी कह रहा है आगे, राजस्थान को सिक्किम, राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान को सिक्किम कह रहा है ये, राजस्थान को सिक्किम कहा जाए तो उसी कोडभाषा में, ठीक, क्या कहना है? ये पढ़ना किसकी राजधानी होगी, है ना। देखो ये कन्वर्ट करने के बाद इसने ये कहा है, हरियाणा को पंजाब कहते हैं, पंजाब को कश्मीर, कश्मीर को स्वर्ग, और स्वर्ग को बिहार कहते हैं, बिहार को दिल्ली, दिल्ली को राजस्थान, और राजस्थान को सिक्किम कहते हैं। तो जैसे ये कन्वर्ट कर रहा है तो हमें बताना है पटना किसकी राजधानी है, ठीक है। हमें ये बताना है कि पटना किसकी कैपिटल है। अब देखो सबको पता है पटना किसकी राजधानी है? बिहार की है। और बिहार को क्या कहा जाता है ये बस हमें यही देखना है, इसके अंदर और कुछ नहीं देखना। पटना बिहार की राजधानी, और जो बिहार को क्या कहा जा रहा है बस वहीं तक हमें चलना है। तो बिहार को क्या कहा जा रहा है? दिल्ली। यानी पटना किसकी राजधानी हो गई? दिल्ली की राजधानी हो गई, ठीक है। अब चला सोचना मत कि दिल्ली तो सर इंडिया की कैपिटल है। हाँ सही बात है, दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है, लेकिन ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसका नाम प्रतिस्थापन है, नाम तो चेंज करना ही है, ठीक है। तो बिहार को दिल्ली कह रहे हैं, इसलिए पटना किसकी राजधानी हो गई? दिल्ली की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना टाइप फोर। अगला टाइप, टाइप नंबर फाइव, जिसका नाम है डिसाइफरिंग कोडिंग, या कहें सेंटेंस बेस कोडिंग या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोडिंग। इसके बहुत से नाम हैं और इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी कूट भाषा में 2, 3, 5 का अर्थ, देखो किसी कूट भाषा में 2, 3, 5, 2, 3, 5 का जो अर्थ है वो दे हैव गोन है। क्या है? दे हैव गोन। 2, 3, 5 को क्या कह रहा है? दे हैव गोन। और 2, 6, 4 को, 2, 6, 4 को कह रहा है ये, 2, 6, 4 को कह रहा है यू हैव डन, यू हैव डन। 2, 6, 4 को यू हैव डन कहता है। और 7, 3, 4 को, 7, 3, 4, 7, 3, 4 को ये कह रहा है दे और यू, दे और यू, दे और यू कहता है, ठीक है। ये कह रहा है, तो ये पूछ रहा है हमसे हो तो गोन का कूट क्या होगा, हमें बताना है कि गोन का कूट क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। पहले के जो है यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, ये 3 नंबर है और 3 ही वर्ड इधर दे रखे हैं, यहाँ भी 3 नंबर 3 वर्ड 3 नंबर 3 वर्ड, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 2 का अर्थ दे होगा, 3 का है, 5 का गोन है, ये जरूरी नहीं है ना। कुछ भी हो सकता है, 2 का है हो सकता है, 3 का गुण हो सकता है, 5 का भी कुछ हो सकता है, गुण हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन हमें करना क्या है कि पहले जो है इनमें देखना है कि कुछ वर्ड मिल रहे हैं कि मैच कर रहे नहीं कर रहे। देखो इस पहले सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में जो है क्या मिल रहा है, मिल रहा है यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव है, तो जो आगे का नंबरिंग है उनके अंदर भी कुछ वर्ड मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो इस जगह मिल रहा है दो, यहाँ भी दो मिल रहे हैं, और पहले और सेकंड सेंटेंस में दो और दो मैच कर रहा है, बाकी और मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। तो दो और दो का अर्थ वही होगा जो यहाँ पर मैच कर रहा होगा। अब यहाँ पर मैच क्या कर रहे हैं, हैव और हैव दोनों में मैच कर रहे हैं, है ना। नंबरिंग में दो और दो मिल रहा है, वर्ड्स के अंदर हैव और हैव मिल रहा है, यानी क्या हुआ कि दो का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, है ना। ये फिक्स नहीं था कि तीन पाँच छः चार का भी इनमें से कुछ हो, अभी इनमें फिक्स ही नहीं है, ठीक है। चलो अब सेकंड और थर्ड सेंटेंस में देखते हैं कि कोई मैच कर रहा है नहीं कर रहा। सेकंड और थर्ड में क्या मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर जो है ये फोर है और यहाँ पर भी फोर दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, दोनों मैच कर रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड सेंटेंस में भी कुछ मैच कर रहा होगा, देखो कुछ मैच कर रहा है क्या, देखो यहाँ दे रखा है, इसमें भी यू दे रखा है और यहाँ भी यू दे रखा है, ठीक है, ये भी मैच हो गया। यू यहाँ भी दे रखा है, यू यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि चार और चार का जो अर्थ है दोनों मिल रहे हैं ना, तो चार का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, यू और यू। अब ये देखना है पहले दूसरे में कंपेरिजन हो गया, दूसरे तीसरे में हो गया, अब करना है पहले और तीसरे में कंपेरिजन करना है, पहले में और तीसरे में। अच्छा पहले इसको छोड़ दो, अब पहले और तीसरे में क्या मिल रहा है, देखो दो मैच नहीं कर रहा, पाँच भी नहीं है, सात चार भी नहीं है, लेकिन तीन और तीन मैच कर रहा है। देखो इसमें तीन मैच कर रहा है, इसमें क्या मैच कर रहा है, तीन मैच कर रहा है, तो तीन और मिल रहा है ना। तो इसमें भी देखना है कि पहले सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस में कुछ मैच कर रहा है क्या। यू हट गया, हैव हट गया, बचे क्या, गोन दे, दे और तो गोन और तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहे हैं मैच, यहाँ भी दे मैच कर रहा है, इसमें भी दे मैच कर रहा है। अब देखो क्या बचा है, पहले सेंटेंस बचा है गोन और यहाँ बचा है पाँच, दूसरे सेंटेंस बचा है डन, यहाँ बचा है छः, तीसरे में और सेवन। हमें क्या क्या करना है, हमें बताना है कि गोन जो है इसका पुट नेम क्या होगा। अब गोन कौन से सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर वन में है, तो वन से जो है ये दो तीन तो कैंसिल हो गया क्योंकि हैव और दे जो है ये क्लियर है। अब बचा क्या, गोन बचेगा, यहाँ क्या बच गया, पाँच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाँच, यानी गोन को उसी कुर्बासा में क्या कहेंगे, फाइव कहेंगे, ठीक है। तो ये था अपना आंसर। एक बार ध्यान रखना ये जो भी मैच करे ना इनको अलग अलग जो है डिब्बे के अंदर डालना है। जैसे मान लो मैंने एक में गोला बना दिया, एक में बना दिया स्क्वायर, एक में बना दिया ट्रायंगल, है ना, तो ये अलग अलग में बनाओगे तो आपको ध्यान रहेगा, वरना आप भूल जाओगे कि किसका जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में पी आई एम पिम टू सुख। देखो इसने क्या है कि पी आई एम पिम टू एस यू के सुख, पिम टू सुख का अर्थ रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका जो अर्थ है वो है रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। पी आई एम टी ओ और एस यू के इसको कन्वर्ट करने के बाद में बन रहा है रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, और कह रहा है कि सुख टॉम हो, यानी एस यू के सुख फिर टॉम और हो का अर्थ जो है ये अर्थ है वो क्या कह रहा है कि वाइट एंड रेड, डब्ल्यू एच आई टी वाइट एंड रेड, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि इसी प्रकार डी ओ एम टू हुक, डॉन टू हुक को ये कह रहा है क्लॉथ इज ब्यूटीफुल, क्लॉथ इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो है कन्वर्जेशन दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है तो उसी भाषा में फ्लोर को क्या कहेंगे, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लोर को क्या कहेंगे ये हमें बताना है। तो मैच करते हैं, कंपेरिजन करेंगे पहले पहले और दूसरे सेंटेंस में, पहले और दूसरे में तुलना करेंगे पहले कि क्या क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर क्या मैच कर रहा है। देखो ये मिल रहा है एस यू के, एस यू के मैच कर रहा है, ठीक है, पहले दूसरे में। तो यहाँ पर भी पहले दूसरे में क्या क्या मिल रहा है, देखो रेड और रेड मिल रहा है, रेड और रेड, इसका ये मतलब हुआ कि एस यू के का जो अर्थ है वो क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है।
चलो आगे, पहला दूसरा कंपटीशन हो गया, अब सेकंड और थर्ड का करते हैं। दूसरे तीसरे में क्या मैच कर रहा है देखो, ये भी नहीं है, टॉम भी नहीं है, वो भी नहीं है। अच्छा दूसरे तीसरे में कोई मैच भी नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। पहले और तीसरे में क्या कर रहा है, पहले तीसरे में देखो टी और टी मैच कर रहा है, यहाँ भी टू है, टू जो है ये दोनों है ना ये मैच कर रहे हैं, इनको मैं अलग तरीके से लिखता हूँ इस तरह से, टू और टू टी ओ जो है ये दोनों मैच कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब हमें अब बचा क्या देखो, हमें बताना था फ्लोर का, फ्लोर जो है टू और टू जो है पहला तीसरा में क्या मिल रहा है इसके अंदर, ब्यूटीफुल, देखो ये ब्यूटीफुल जो है ये मैच कर रहा है, तो फर्स्ट में बचा क्या, फ्लोर ही बचा है, और फर्स्ट में फ्लोर बचा है तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या बच रहा है पी आई एम, तो ये पी आई एम जो है अपना आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों चीज निकल चुकी है, रेड हो गया, ब्यूटीफुल निकल गया, बचा क्या फ्लोर, और यहाँ पर भी दो टू और एस यू के जो है ये निकल चुका था, तो बचा क्या पी आई एम, तो फ्लोर का क्या हो जाएगा पी आई एम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन भी दे रखा हुआ है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में टिम फुसो दे रखा है, टिम फुसो, टिम फुसो को ये कन्वर्ट कर रहा है, इसका अर्थ बता रहा है सी इज गुड, सी गुड, ठीक है, और कह रहा है ये कि रिम टिल सो, रिम रिम के बाद में टिन सो, ठीक है, रिम टिन सो को ये कह रहा है, ये कह रहा है ही इज बैड, ही इज बैड। अच्छा अगला सेंटेंस है कि रिम से टिम, रिम से टिम, रिम से टिम का अर्थ गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस हो गए। अब हमें बताना है कि इज और बैड का कोड क्या होगा, हमें बताना है इज का कोड, एक तो बताना है इज का और एक बताना है बैड का, दो कोड बताना है, इज और बैड का कोड क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे देखते हैं, अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या मैच कर रहा है, पहले सेंटेंस और सेकंड वाले की पहले कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं पहले और तीसरे में, तो पहले तीसरे में क्या मैच कर रहा है देखो, टिम और तो नहीं, इसके अंदर सो और सो मिल रहा है, एस ओ और एस ओ, तो यहाँ पर दो वर्ड मैच करने चाहिए पहले दूसरे में, तो देखो इज और इज मैच कर रहा है ना, यानी सो का जो अर्थ है वो क्या हो गया, इज हो गया। ठीक है, ये पहला देखो, पहले का आंसर भी आएगा, इसने कहा था कि इज को क्या कहेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो सो हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा था इज का क्या अर्थ होगा, तो इज यहाँ पर देखो पहले सेंटेंस में टिम हु सो दे रखा है, ये रिम टिन सो दे रखा है, ये एम एम नहीं है, ये एम है, ये एन है, तो सो और सो मैच कर रहा है, यहाँ पर इज और इज मैच कर रहा है, तो इज का जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा, सो। अच्छा सेकंड और थर्ड में क्या मैच कर रहा है वो देखते हैं, रिम ये रिम दोनों, इसमें भी रिम है ना, इसमें भी रिम दे रखा है, इसमें भी रिम दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड में क्या मैच कर रहा है, बैड, ये बैड और ये बैड, तो अब यहाँ पे देखना है सेकंड और थर्ड में मिल गया बैड, हमें बैड ही निकालना था, तो बैड का क्या आंसर हो जाएगा, रिम, तो रिम जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी यहीं पे अपने आंसर मिल गया, इसका सो हो गया और बैड का क्या हो गया, रिम, ये दोनों अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था कोडिंग डिकोडिंग का फुल चैप्टर, पांचों के पांचों टाइम हमने क्लियर कर लिए हैं, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर हमारे चैनल पर नए हो तो।